गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका जो 100 नंबर का एक अलग से पेपर आने वाला है उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो करेंगे। एंटिटी का जो स्पेशल आपका एक 100 नंबर का पेपर होगा, आपका 200 नंबर का पेपर है, अदर जो सब्जेक्ट है आपके 100 नंबर के आएंगे और 100 नंबर का आपका एक पेपर आएगा तो जिसमें आपको जो मेन नाम दिया गया है वो नाम दिया गया कि टीचिंग मेथोलॉजी दिया गया है। तो इस टीचिंग मेथोलॉजी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं उन टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो देखिए 100 नंबर का पेपर है तो बहुत बड़ा सिलेबस रहेगा इसमें आपका, जितना भी एंटिटी से रिलेटेड जहाँ से भी आपको जो भी टॉपिक मिलता है आपको उसको रीड करना पड़ेगा क्योंकि 100 नंबर की बात है। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमारे सामने हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एंटिटी के ही हैं, जिन बच्चों ने एंटिटी का पेपर देना है प्री प्राइमरी टीचर का, तो उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं 100 नंबर के पेपर में जो आने वाले हैं उन टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो रहेंगे। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, जो एंटिटी का ही एक टॉपिक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा रहता है, बालक का मनोविज्ञान। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, बालक का मनोविज्ञान। इन टॉपिक को अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो टॉपिक्स आपने क्या करने हैं, अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है बालक का मनोविज्ञान, पहला टॉपिक रहेगा, यानी कि बालक के मनोविज्ञान से जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। मनोविज्ञान के साथ वृद्धि भी आएगी और विकास, यानी कि बालक का मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास। और किस एज के बच्चे के, 0 से 6 साल तक के बच्चे के, 0 से 6 साल तक के बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है हमने, विकास के बारे में पढ़ना है और वृद्धि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक भाषा, इन टॉपिक्स के बारे में भी हमने पढ़ना है। ये टॉपिक्स भी आपके रहेंगे इसमें। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा, बालक का मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास। विकास कहाँ तक, 0 से 6 साल तक के बच्चे का। उसके बाद शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक भाषा, ये टॉपिक आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जब इसको डिफाइन करेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको मैं टॉपिक बता रही हूँ कौन कौन से हैं। उसके बाद सेकंड है प्री प्राइमरी शिक्षा। प्री प्राइमरी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि प्री प्राइमरी शिक्षा है, इसका इतिहास क्या है, इसका दर्शन क्या है और इसकी नीतियां क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्री प्राइमरी शिक्षा के टॉपिक में। तो दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा। उसके बाद तीसरा है भाषा और साक्षरता। भाषा और साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे हम तीसरे टॉपिक में। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक इसमें आता है वो है रचनात्मक अभिव्यक्ति। जो चौथा टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, रचनात्मक अभिव्यक्ति। उसके बाद पांचवा टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मेन 25 है वो मैं आपको बता रही हूँ एक बार। तो देखिए हम पांचवें नंबर टॉपिक में हैं। पांचवें में क्या आएगा, बाल देखभाल और बाल विकास। जो क्योंकि है ही बच्चों से रिलेटेड तो बच्चों के विकास और बच्चों की देखभाल के बारे में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आपका जो पांचवा टॉपिक है वो क्या रहेगा, बाल देखभाल और बाल विकास। उसके बाद छठा टॉपिक, ये तो आपको नाम ही दे रखा है उन्होंने, जो स्पेशल आपको टॉपिक का नाम दिया है वो यही दिया है, प्री प्राइमरी शिक्षण विधि में ज्ञान और कौशल। क्या दिया गया है, प्री प्राइमरी शिक्षण विधि में ज्ञान और कौशल। ये हमारा छठे नंबर का जो टॉपिक है वो रहेगा आपके 100 नंबर वाले पेपर में। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा आता है सातवें नंबर का टॉपिक, सातवें नंबर का जो टॉपिक है उसमें हमारा आता है बाल देखभाल सेवाएं। पहले सिर्फ क्या था, बाल देखभाल था, अब है बाल देखभाल सेवाएं, कार्यक्रम और संगठन का टॉपिक भी हमारा इसी में रहेगा। उसके बाद आठवां टॉपिक है बच्चों के पोषण का आ जाएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा बच्चों से रिलेटेड, पोषण का, स्वास्थ्य और स्वच्छता का टॉपिक आपका रहेगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है विशेष जरूरतों और बच्चों का विकास, बच्चों की कौन कौन सी जरूरतें होती हैं और बच्चों का विकास कैसे होता है, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इसमें रहने वाला है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बच्चे के विकास में खेल। अब खेलों का क्या महत्व है बच्चे के विकास में, ये टॉपिक भी रहेगा। माता पिता और समाज की भूमिका और शिक्षा का टॉपिक भी आपका इसमें रहने वाला है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है और शिक्षा का क्या योगदान है, ये टॉपिक भी आपका इसमें एक रहने वाला है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक बचपन के विकार, जो बच्चे में विकार होते हैं, बच्चे में जो रोग होते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड हमें सारी एक्टिविटीज करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है टीकाकरण और प्रतिरक्षण, ये भी हमें करना पड़ेगा, टीकाकरण के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री प्राइमरी है, अगर प्राइमरी हो तो ना पढ़ पाए लेकिन प्री प्राइमरी में तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टीकाकरण बच्चों में लगाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल अधिकार, बच्चों के जो राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और संबंधित अधिनियम और बच्चों से रिलेटेड जो अधिनियम है जैसे पोक्सो एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, वो चीजें भी हम सारी किसमें पढ़ेंगे, हमारे बाल अधिकार और संबंधित अधिनियम के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अधिगम और शिक्षण, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो क्या है, अधिगम और शिक्षण के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके बाद अगर बच्चे की बात है यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल की बात है तो हमें उसके पाठ्यक्रम का ज्ञान होना भी जरूरी है, तो हमारा एक टॉपिक क्या रहेगा प्री प्राइमरी पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान, ये भी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम करेंगे हमारी क्लास में। उसके बाद आता है कक्षा कक्ष प्रबंधन, तो हमें क्लास मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी कि क्लास में क्या माहौल होना चाहिए, कैसा पर्यावरण होना चाहिए, ये चीजें सारी। उसके बाद समावेशी शिक्षा, ये सबके लिए जरूरी है, चाहे एग्जाम कोई भी हो आपका समावेशी शिक्षा आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद में कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन भी हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मूल्य शिक्षा नैतिक मूल्य आ जाएंगे बच्चे के इसमें, तो ये टॉपिक भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जो हमारा अभी मैंने आपको 19 टॉपिक बता दिए हैं और 20 नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है शैक्षिक सिद्धांत, अब शिक्षा से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत अंतर का टॉपिक आ जाएगा आपका, व्यक्तिगत अंतर भी आपको करने पड़ेंगे, बच्चों की योग्यताएं करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक रहेगा समाज शास्त्र का, समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके बाद पर्यावरणीय जागरूकता के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरणीय जागरूकता ये टॉपिक भी हमारा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो हमारा 25 नंबर का टॉपिक है वो है नैतिक शिक्षा और अच्छी आदतें, तो इन्हीं से ही हमारे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये टॉपिक क्या आएगा पेपर में, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन हमारे बने होते हैं। तो देखिए ये 25 टॉपिक हैं और इन्हीं में से आपके जो आपका जो पेपर आने वाला है वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो समझ में आ गए होंगे लगभग सभी को कि 25 टॉपिक कौन से हैं। कुछ टॉपिक हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी क्लास में इनको करेंगे। तो देखिए हमारा जो 100 नंबर का पेपर है वो हमारे इन टॉपिक में से आने वाला है, तो हम एक एक करके इन टॉपिक को करते जाएंगे हमारी क्लास में। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो शिक्षा मेथोलॉजी है, टीचिंग मेथोलॉजी जिसको आप बोल रहे हो, ये है क्या और इसमें किन चीजों का होना जरूरी होता है। तो आज हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, जो उन्होंने हमें सिलेबस के अंदर स्पेशल नाम दिया है टीचिंग मेथोलॉजी, तो टीचिंग मेथोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या चीजें होनी जरूरी है, तो टीचिंग मेथोलॉजी को क्या बोलेंगे हम, प्री प्राइमरी शिक्षण विधि में ज्ञान और कौशल, क्या बोलते हैं इसको, प्री प्राइमरी शिक्षण विधि में ज्ञान और कौशल कैसा होना जरूरी है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे जरूरी जो टॉपिक रहता है वो रहता है प्रोग्राम की योजनाबंदी, सबसे पहले जो भी आप बच्चों के लिए करने वाले हो उस प्रोग्राम की योजना आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको माहौल, आपको पर्यावरण सारा उसी हिसाब से देना पड़ेगा, अगर बड़ा है तो उसी हिसाब से। जब हम बात ही प्री प्राइमरी की कर रहे हैं तो प्री प्राइमरी का बच्चा क्या है, हमारे लिए कोरा कागज है, तो उसको सिखाने के लिए हमारे पास किन चीजों का होना जरूरी है, क्या कुछ हमें उनके लिए करना जरूरी है, तो उन बातों के बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी एनटीटी का जो सिलेबस है ना वो सभी का सेम होगा,
एनटीटी का जो सिलेबस है वो सभी का सेम रहेगा, चाहे वो आपका डीएसएसबी हो, चाहे वो आपका चंडीगढ़ का हो, चाहे जो आने वाला हरियाणा का पेपर हो, टॉपिक्स एनटीटी के यही रहेंगे। ठीक है, अलग से नहीं, इसमें 200 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर की जो आपकी अदर क्लासें चल रही हैं वो, और 100 नंबर का अलग पेपर होगा, यानी कि दो पार्ट होंगे उसके। 100 नंबर का हमारा टीचिंग मेथोलॉजी का पेपर होगा, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले देखिए कि प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, एक एक बात को नोट करते जाना है, और कल इन्हीं बातों को क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे पूछूंगी, कल इन्हीं में से क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ अपनी कॉपी में शॉर्ट के अंदर नोट करते जाइए, शॉर्ट में आपने इनको नोट करना है। तो सबसे पहले जो हमारी बात रहती है वो क्या है, अब प्री स्कूल शिक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे पास, हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारे पास किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले है कि गतिविधियां उम्र और विकास के लिए उचित होनी चाहिए। सबसे जो पहली महत्वपूर्ण बात आती है वो क्या है कि जो चीज आप बच्चों को करवाने जा रहे हो, यानी कि जो एक्टिविटी आप बच्चे को करवाने जा रहे हो छोटे बच्चे को, वो क्या होनी चाहिए, उम्र की, बच्चे की एज देखो आप क्या है। ये नहीं है कि आप छोटा बच्चा लेके बैठे हो एक्टिविटी बड़े की करवा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है कि जो भी एक्टिविटी आप करवा रहे हो वो बच्चे के विकास में भी उसका योगदान होना चाहिए, और दूसरा उसकी उम्र की ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बच्चे का विकास भी करे और उसकी उम्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने एडवांस हो चुके हैं, है ना। हम पहले क्या था कि बच्चे कार्टून्स में बिलीव करते थे, आजकल आप देखते हो कि उनको आप फोन दे दो वो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, और वो अपनी छोटी एज में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इस वजह से उनकी ग्रोथ है वो रुक भी जाती है, क्योंकि उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, वो अलग अलग चीजें देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी ये होनी चाहिए कि आप उनको फोन दे रहे हो तो आप उनका जो सर्चिंग पॉइंट है वो देखो कि वो क्या रिसर्च कर रहा है। कभी भी बच्चे को वो चीज सर्च मत करने दो जो उसकी एज से बड़ी हो। तो बच्चों पे हमें भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका विकास है वो अच्छे से होता रहे। तो वही चीज हमने करनी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि एक्टिविटी उम्र और विकास के लिए उचित होनी चाहिए। और दूसरी बात, छोटे बच्चों का ध्यान का समय है वो 15 से 20 मिनट ही होता है। कि एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कुछ सिखाने जा रहे हो तो उसका जो ध्यान है, जो अटेंशन है उसकी, वो सिर्फ 15 से 20 मिनट ही रहती है, 15 से 20 मिनट रहती है, इससे ज्यादा बच्चा है वो ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि जो भी आप उसको एक्टिविटी करवा रहे हो वो 20 मिनट की ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई उनको एक्टिविटी करवाने लगे आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे लंबी चल रही है, तो उससे बच्चा है वो ऊब जाता है और उसका ध्यान है वो इधर उधर हो जाता है। तो बच्चे की जो अटेंशन होती है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट की होती है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जो बच्चे को करवा रहे हैं वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आप बच्चे को कुछ भी करवा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी। उसके बाद इनकी समाप्ति और अगली गतिविधि की शुरुआत के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 20 मिनट की एक एक्टिविटी करवाई, नेक्स्ट मिनट आपने अगली शुरू कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में गैप होना जरूरी है, तो आपको गैप भी देना है। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये सिर्फ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो दो बातें मैंने आपको बता दी, पहली कि गतिविधि है वो उम्र और विकास के लिए सही होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि जो भी हम छोटे बच्चों को करवाने वाले हैं वो सिर्फ 20 मिनट की गतिविधि होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का ध्यान है वो 15 से 20 मिनट ही रहता है। और उसके बाद जो बात मेन यहाँ पे आती है कि अगर आप कोई अगली एक्टिविटी करने वाले हो तो बीच में बच्चे को ब्रेक जरूर दो आप, अगर ब्रेक दोगे तो बच्चा रिफ्रेश होके आएगा। उसके बाद देखिए तीसरी है, क्रियाशील और शांत, छोटे और बड़े समूह की गतिविधियों में संतुलन होना चाहिए। कि आपने बच्चों के ग्रुप्स बना रखे हैं,
ठीक है, आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो उनके अंदर बैलेंस होना जरूरी है, कि आप बच्चे को जो भी चीज सिखा रहे हो वो अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, बैलेंस उनमें बनना जरूरी है, यानी कि संतुलन होना उनके अंदर जरूरी है। उसके बाद देखिए, अनुभव को साधारण से जटिल की ओर ले जाना चाहिए, कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो ऐसे नहीं है कि पहले आप बच्चे को कोई टफ वर्क दे दो फिर इजी इजी उसको बनाते चलो, नहीं, आपने बच्चे को पहले इजी वे में फिर इजी से आपने उसको टफ में लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चों को जोड़ के सवाल सिखाने हैं तो हमारा काम क्या रहता है, पहले हम सिर्फ एक एक डिजिट के करवाते हैं, फिर हम दो दो के करवाने लग जाते हैं, फिर हम तीन तीन के, तो हम क्या कर रहे हैं, सरल से जटिल की ओर लेके जा रहे हैं। कभी आपने देखा है कि आप बच्चों को कुछ काम करवा रहे हो, मान लो कोई सम करवा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप कैरी वाले करवाने लगे, घटा सिखा रहे हो, तो कैरी वाले तो नहीं सिखाते, आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, इजी इजी लेते हो, जैसे 9 में से 7 गए कितने बच गए, 8 में से 6 गए कितने बच गए, धीरे धीरे आप उसको डबल डिजिट में लेके जाते हो, फिर उसको कैरी में लेके जाते हो। तो यही चीज होती है कि आपने क्या करना है, जो आपका अनुभव है उसको साधारण से जटिल की ओर लेके जाना है, ना कि जटिल से साधारण की ओर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछी भी जाती है, तो हमने क्या बोलना है कि हमने क्या करना है, साधारण से जटिल की ओर लेके जाना है अपने अनुभव को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभव की विशाल श्रेणी की योजना बनाई जानी चाहिए। क्या कह रहा है ये, कि व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभव की विशाल श्रेणी की योजना बनानी चाहिए, जो बच्चे के पर्यावरण से संबंधित हो और बच्चों के लिए आनंददायक और चुनौतीपूर्ण दोनों हो। कि आपका या बच्चे का लगा लो कोई पर्सनल अनुभव है, या समूह में बच्चे कुछ कर रहे हैं, या अकेला बच्चा कर रहा है कुछ, या फिर समूह में कुछ कर रहा है, तो उसकी एक विशाल श्रेणी की आपको एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि आप बच्चे को या तो पर्सनल ज्ञान है, या फिर बच्चा समूह में कुछ सीख रहा है, तो जो आप सिखा रहे हो वो बच्चे के पर्यावरण से संबंधित होना जरूरी है, और पर्यावरण से संबंधित होने के साथ साथ वो बच्चे के लिए आनंददायक भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अरुचिकर कार्य उसको करवाने लग जाओ, आपने ऐसा काम करवाना है जो पर्यावरण से संबंधित भी हो, रुचिकर भी हो और चुनौतीपूर्ण भी हो, यानी कि जिससे बच्चे को चुनौती भी मिले, बच्चे के अंदर साहस आए, बच्चा उसको सीखने की कोशिश करे। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप जो भी उसको अनुभव करवाने वाले हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो, वो पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए और बच्चे के लिए आनंददायक और चुनौतीपूर्ण दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रूटीन के कार्य बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, इसलिए दैनिक कार्य में कुछ रूटीन की पालना होनी चाहिए। एक बच्चा है, आप उसको कुछ काम देने वाले हो, ठीक है, पहले वो डरेगा कि मेरे को ये काम करना पड़ रहा है, वो डरेगा, लेकिन आप क्या करोगे, उस जो वो जिस काम से वो डर रहा है उसको उसके रूटीन कार्य में डालिए। अगर आप रूटीन कार्य में उसको डाल देंगे, दैनिक कार्य में उसको डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, बच्चे में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा, यानी कि बच्चा डरेगा नहीं, उसको पता है कि मैंने कल ये किया था कुछ नहीं हुआ, आज फिर करूंगा, फिर परसों करूंगा। तो जो भी आप वो डेली का काम करता है वो बच्चे में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। अब देखिए, आप बच्चों को पेंसिल सिखा रहे हो, ठीक है, पहले दिन आया, पेंसिल हाथ में पकड़वा रहे हो, डर रहा है वो, आज सिखाई आपने, ये नहीं है कि बच्चे ने बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप छोड़ दो, आप अगले दिन भी उसको पेंसिल दो, दूसरा तीसरा चौथा दिन अपने आप बच्चा पेंसिल चलाना सीख जाता है। तो वो बच्चा क्या हो गया, सिक्योर हो गया, उसमें सुरक्षा की भावना पैदा आ गई कि मैं पेंसिल चलाऊंगा, चल जाएगी, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो ऐसे कार्य जो बच्चे में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं वो आपने उसके रूटीन के कार्य में डालने हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा वर्क रहता है, हाँ जी हाँ जी, आपने लिखना है लेकिन शॉर्ट में लिखो, जैसे मैं बोल रही हूं ना, आपको जिस तरह लगता है कि मैं इजी वे में इसको रीड कर पाऊंगी, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में लिखते जाइए आप, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद देखिए, प्री स्कूल प्रोग्राम की अवधि 3 से 4 घंटे होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चे की क्लास की, कि बच्चे की जो क्लास है उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, तो 3 से 4 घंटे होना चाहिए,
या 3 घंटे या 4 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए। और प्रोग्राम के दौरान कुछ आराम का समय भी दिया जाना चाहिए। और बच्चे को 3 से 4 घंटे, ये नहीं है कि कंटिन्यू मैथ करवा दिया, इंग्लिश करवा दी, हिंदी करवा दी, सारे सब्जेक्ट करवाने लग जो आपने एक सब्जेक्ट करवाया, थोड़ा ब्रेक दो, फिर अगला करवाया, फिर थोड़ा ब्रेक दो। तो प्री स्कूल जो प्रोग्राम है उसकी अवधि 3 से 4 घंटे ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ की साथ याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अगर याद हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्यों द्वारा क्या कह रहा है ये, कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्यों द्वारा क्लासरूम की प्रक्रिया और बच्चों के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। कि आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो, आपका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा बच्चे को पढ़ाने का, यानी कि मान लो आपने टेबल उसको लर्न करवानी है तो आपका लक्ष्य है कि इसको याद हो जाए, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो पाठ्यक्रम का जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसके द्वारा क्लासरूम की प्रक्रिया और बच्चों के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन भी करना चाहिए कि आप जो करवा रहे हो बच्चा समझ रहा है, और फिर आपने उसका मूल्यांकन भी करना है कि वो कितना समझ रहा है, क्या कुछ वो कर पा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आप करवाते जाओ, एक दो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कर रहे हैं बाकी वो पिछड़ रहे हैं, आपने सभी को साथ लेके चलना है। और जो पाठ्यक्रम आप करवा रहे हो उसका मूल्यांकन जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करो। मान लो एक छोटा सा टॉपिक आप सिखा रहे हो, अल्फाबेट सिखा रहे हो, आपने सिखा दिया, फिर बच्चों से आप क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आपको साथ के साथ मूल्यांकन भी करना है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, और जो आप सिखा रहे हो वो कभी भी उबाऊ नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो तो था जो महत्वपूर्ण बातें थी, अब आता है अधिगम का पर्यावरण, कि हम जो बच्चे को सिखाने वाले हैं तो वहां पे जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे उन तरीकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं जो बड़े बच्चों के ढंग से काफी भिन्न होते हैं। अब 2 से आप इमेजिन करो, आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है मान लो 10-12 साल का है, और एक छोटा बच्चा है जिसकी एज 2 से 6 के बीच में है। क्या इन दोनों को आप एक तरीके से सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। दोनों को सिखाने का ढंग है वो कैसा होता है? अलग होता है। तो यही बात इसने कही है कि 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका और जो बड़े बच्चे हैं इन दोनों का ढंग काफी भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। उसके बाद देखिए, बच्चे वास्तविक चीजों से तोड़ जोड़ पड़ताल और प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों का क्या काम होता है कि जैसे उनके पास एक टॉय है, उसको उस टॉय के बारे में जानना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, किन चीजों से बना ये। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ बच्चों की हैबिट क्या होती है कि वो खेलते रहते हैं, जब वो टॉय उसके काम का नहीं रहता तो वो उसको तोड़ फोड़ हैं, उसके पुर्जे निकाल लेते हैं, उसको जोड़ भी लेते हैं, तोड़ भी देते हैं। तो इन चीजों को प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके भी बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करना पसंद करते हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क करके ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा होगा टॉयज बच्चे बहुत तोड़ते हैं जब उनके काम के नहीं रहते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भीतरी और बाहरी खेल के क्षेत्र बच्चों के लिए सीखने की सुविधा के लिए भौतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब भीतरी और बाहरी खेल के क्षेत्र, भीतरी और बाहरी का मतलब जो आप बच्चों को करवाते हो, जो पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्होंने देखा होगा कि बच्चों को इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में बताते हैं। तो वो इंडोर और आउटडोर का, इंडोर का मतलब जो डोर के अंदर खेले जाते हैं, अंदर खेले जाते हैं, और बाहर आउटडोर कौन से होते हैं? जो डोर के बाहर यानी कि मैदानों में खेले जाते हैं। तो ऐसे जो खेल है वो बच्चे के लिए भौतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक घर के अंदर रह के बच्चा खेल रहा है, एक बाहर खेल रहा है, तो वो दोनों चीजें क्या करती हैं? बच्चे में भौतिक पर्यावरण बनाती हैं। उसके बाद देखिए भीतरी पर्यावरण की योजना, भीतरी मतलब अंदर, आप घर के अंदर जो बच्चा है वो खेल रहा है, भीतरी पर्यावरण की योजना छोटे बच्चे की दिलचस्पियों और विकास की जरूरतों को ध्यान में रख के की जानी चाहिए, और बड़ी और भीतरी जगहों को सेल्फों पर फर्नीचर की उपयुक्त व्यवस्था से गतिविधि को कोनों में बांटा जा सकता है। अब बच्चा क्या है, घर के अंदर खेल रहा है, और घर के अंदर जो वो गेम खेल रहा है उस गेम से रिलेटेड आपने क्या करना है, सेल्फों पर फर्नीचर की उपयुक्त व्यवस्था करनी है,
यानी कि वैसा आपने बच्चों को माहौल तैयार करके देना है। आप वैसा माहौल तैयार करके दोगे तो बच्चा सीखेगा, क्योंकि मानते हैं कि घर में सारी चीजें नहीं होती हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में हम क्या करते हैं, बच्चों को एनिमल्स के नेम सिखा रहे हैं, तो हमारे जो रूम के अंदर है एनिमल्स की फोटो लगी होती है, तो हम फोटो से भी बच्चों को बता देते हैं कि देखो ये है ये है। ऐसे हमने घर पे भी करना है कि जो बच्चा करने जा रहा है, जो बच्चा सीखने जा रहा है, उससे रिलेटेड हम बच्चों को माहौल तैयार करके दें। तो शॉर्ट वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम घर पे बच्चे को खिला रहे हैं तो घर पे भी हमने क्या करना है, हमारे फर्नीचर के ऊपर, हमारी सेल्फों के ऊपर ऐसी चीजें लगा देनी है कि जो बच्चा गेम खेल रहा है उससे वो रिलेटेड हो। तो इनको हम नॉर्मल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके लिए बाद में है कि बाहरी पर्यावरण बच्चों के विकास में सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बाहर बच्चा जाएगा तो बाहर उसके साथ के और बच्चे भी होंगे, तो बच्चों में सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि जो खेल है, खेल खोज और सामाजिक अंतः क्रियाओं के लिए जगह प्रदान करते हैं। क्योंकि खेल क्या करते हैं, बच्चे को नई खोज कर देते हैं कि बच्चा कुछ नया सीखता है बाहर जाने के बाद। उसके बाद सामाजिक अंतः क्रियाएं करता है बच्चा, बाहर के लोग भी होते हैं उनके साथ भी बच्चा क्या करता है, अपने विचार है उनकी अभिव्यक्ति करता है, और विचारों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ उसका जो सामाजिक समाज के लिए उसका जो एकता है वो भी बढ़ती है। अब घर में रहेगा तो सिर्फ चार पांच लोगों के साथ, घर वालों के साथ ही खेलेगा कूदेगा, लेकिन जब घर से बाहर जाना शुरू करता है तो वो समाज के साथ भी क्रिया करता है, यानी कि समाज के लोगों के साथ भी रहना, उठना, बैठना, बोलना, सारी चीजें वो सीखता है। उसके बाद ब्रेक टाइम और बाहरी खेलों के लिए समय निर्धारित करना अनिवार्य होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमारे लिए वो क्या है कि अगर बच्चा कहीं पे भी खेल रहा है तो बीच में ब्रेक टाइम देना जरूरी होता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर बाहर गेम खेल रहा है बच्चा तो उसमें समय निर्धारित करना भी जरूरी होता है। चाहे आप उसका गेम है वो 5 मिनट का रख लो, 10 मिनट का रख लो, तो बच्चे का जो समय है वो भी निर्धारित करना जरूरी होता है। तो ये थी हमारी पर्यावरण से संबंधित बातें कुछ, जिसमें हमने बाहरी और आंतरिक खेलों के बारे में बात की, उसके बाद जो खेलों का टाइम है उसके बारे में बात की। तो इसमें से अपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो जब बच्चा बाहर खेलेगा तो उसका माहौल क्या होना चाहिए और बच्चा क्या सीखेगा, जो बच्चा है वो अंदर रहेगा तो अंदर हमने बच्चे के लिए क्या करना है वो चीज आपको याद रखनी है, और तीसरा उसको ब्रेक टाइम देना है और समय भी निर्धारित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बच्चे के लिए जरूरी है, यानी कि बच्चे के पर्यावरण को आपने कैसे मेंटेन करना है वो चीज थी। उसके बाद कहानी सुनाना, तो अब देखिए जैसे अगर आप बच्चों को कहानी सुना रहे हो, मान लीजिए आप बच्चों को कहानी सुना रहे हो, तो वो कहानी आपकी किस तरह की होनी चाहिए, आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, आपने किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें आपने इसमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए कहानी सुनाने के लिए क्या चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले अपनी आवाज को सही और उपयुक्त रूप में संशोधित करना है आपने अपनी आवाज को, आपकी आवाज वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सरल भाषा का प्रयोग करें, आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हिंदी के बहुत टफ टफ वर्ड्स का प्रयोग करें, आपके वर्ड है बिल्कुल साधारण हो जो बच्चा समझ पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी रचनाएं लेके आप बैठ जाएं और ऐसी जिनका उनको अर्थ ही ना पता हो, आपने ऐसी बातें बतानी है जिसमें बिल्कुल साधारण भाषा हो, बच्चा समझ पाए, और बच्चे की मातृभाषा में हो तो और भी ज्यादा बेटर रहता है। उसके बाद है उचित तौर पर नाटकीय ढंग से बोलो। अगर आप कोई पोइम सिखा रहे हो, विद साइन आपने बच्चे को समझाना है उस पोइम के बारे में, यानी कि आपका जो ढंग है वो नाटकीय होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फनी चीजें बहुत पसंद होती है, तो इसलिए आप जो सिखाने वाले हो वो कैसा होना चाहिए, नाटकीय ढंग से। उसके बाद बहुत सारी क्रियाओं और इशारों का प्रयोग करें, मतलब जितनी भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, शेर, मान लो शेर के बारे में कोई चल रही है हमारी कविता है, तो शेर की आवाज निकालो, शेर के एक्सप्रेशन निकालो, तो बच्चा और भी ज्यादा उसको इंटरेस्ट में लेके खेलेगा, देखेगा और सुनेगा। उसके बाद रंगीन और बड़े फ्लैश कार्ड का प्रयोग भी होना चाहिए। अगर आप बच्चे को कहानी सुना रहे हो
तो आपने रंगीन और बड़े फ्लैश कार्ड का भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हो। कलरफुल चीजें बच्चों को ज्यादा पसंद होती है, तो आप रंगीन कार्ड उठाओ। उसके बाद सदैव फॉलो अप क्रियाएं करें। अब फॉलो अप क्रियाओं में हमारी क्या आती है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी फॉलो अप क्रिया नहीं है या इनमें से कौन सी फॉलो अप क्रिया है, तो कौन कौन सी है। देखिए फॉलो अप में क्या होता है, जैसे कि रंग भरना क्रिया को हम फॉलो अप क्रिया कहते हैं। कला, कोई भी आर्ट बच्चे की, प्रश्न उत्तर अगर क्वेश्चन आप करवाते हो बच्चे को, ये चीजें भी आपकी किस में आती हैं, फॉलो अप में आती हैं। बच्चे से क्वेश्चन पूछना, कला जैसी क्रियाएं होगी, रंग भरना हो गया, तो ऐसी क्रियाएं भी आप बच्चे को करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है, उन्हें ऐसी कहानियां साझा करने के लिए कहें जो वे जानते हो। अब आपने कहानी सुना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टॉपिक कंप्लीट। आपने क्या करना है, बच्चे को बोलना है कि अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी आती है तो आइए आप सुनाइए, आप भी बताइए। तो बच्चा अपने विचार है वो साझा करेगा। सबसे बड़ी बात, बच्चे की शब्दावली भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चा हेजिटेशन बच्चे की खत्म हो जाएगी। बच्चा क्या करेगा, जो कहानी उसके माइंड में होगी वो आपको सुनाएगा, ठीक है। तो आपने ये भी करना है कि अगर आप कहानी सुना रहे हो तो बच्चे को भी आप बोल सकते हो कि आपको अगर कोई कहानी आती है तो उसको आप साझा कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो बच्चे को आपने अपने पास बिठाना है। ये नहीं है कि आप बहुत दूर हो, बच्चे आपसे बहुत दूरी में बैठे हैं और आप बच्चे को कहानी सुना रहे हो, तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता। आप बच्चे को अपने निकट लेके आइए, अपने पास बैठाइए और फिर बच्चे को सुनाइए कहानी जो आप सुनाने वाले हो। उसके बाद यह जोर कभी मत डालें कि कहानी की शिक्षा याद रखें। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चे ने आपको कहानी सुना दी और बाद में आप बच्चे से पूछो कि बताइए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कोई जरूरी नहीं है ये चीज। आपने फोर्स नहीं करना है, अगर बच्चे को याद है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर बच्चे को ये बात नहीं पता तो आपने फोर्स नहीं करना है बच्चे को। आप अपने वर्ड के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हो कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो ये चीजें, कुछ तीन आपको टॉपिक मैंने बताए हैं जो हमारे महत्वपूर्ण थे, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखने में हमें लगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, हमें पता है, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आज हमारा फर्स्ट डे था जिसमें मैंने आपको एक तो टॉपिक बता दिए सारे, ठीक है, एक तो मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे आने वाले हैं, और दूसरी बात जो हमारा मेन टॉपिक है टीचिंग मेथोलॉजी का, वो उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, कहानी सुनाते हैं तो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, तो ये चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बता दी। मतलब तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं जिसके बारे में आपके माइंड में हर एक चीज सेट होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।